दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन पे, यानी सेल्फ इंट्रोडक्शन। हु आर यू, आप कौन हो, यानी आप कौन हो और आप क्यों आए हो। दोस्तों आप क्या हो, यदि अभी भी आपने अपने आप का इंट्रोडक्शन नहीं करा पाया, अभी भी अपने आप को नहीं जाना, तो आपको जानने की आवश्यकता है। दोस्तों आप कोई सामान्य प्राणी नहीं हो जो आप समझते हो। आपने अभी अपने आप को नहीं जाना है। आपके अंदर वो अनंत चेतन है, अनंत शक्ति छिपी हुई है। आप चाहो तो संसार में एक वंडरफुल परिणाम दे सकते हो, एक आश्चर्यजनक परिणाम ला सकते हो। आपके अंदर वो क्वालिटी है, आपके अंदर वो गुण है, आपके अंदर वो फीलिंग्स हैं, वो भावनाएं हैं, आपके अंदर वो शक्ति है, समर्थ है, शक्ति है आगे बढ़ने की। दोस्तों आज मैं एक आपको एक स्टोरी के जरिए बताऊंगा कि एक चरवाहा जंगल में बकरियां चराने जाता था, और वो चरवाहा जंगल में बकरियां चराने जाता था, डेली का काम था उसका, बकरियां चराता था। तो एक दिन उसे जंगल में एक शेर का बच्चा मिला, सावक छोटा सा, बहुत प्यारा सा बच्चा था। तो उसे उठा करके और अपने साथ ले आया। दोस्तों उसने बकरियों के साथ उसका पालन पोषण किया, बकरियों के साथ में। और वो बकरियों के साथ में जैसे जैसे बकरी बिहेव करती थी, जैसे यानी चारा बकरी खाती थी तो ऐसे वो खाता था, जैसे बकरियां बैठती थी तो ऐसे वो बैठता था, जैसे बकरियां मिमियाती थी तो ऐसे मैं की आवाज में करना शुरू कर दिया। धीरे 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 वो बच्चा बड़ा हो गया और उसने अपने आप को समझ लिया कि मैं बकरी हूँ। तो जैसे बकरी बोलती थी वैसे वो बोलता था, सेम ऐसी कार्य करता था दोस्तों, क्योंकि परिवेश में ढल चुका था, अपने आप को भूल गया था। तो होता क्या है, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद में जब वो चरवाहा जंगल में बकरी चरा रहा होता है, तो वहां पे एक शेर आ जाता है। वो पानी पीने के लिए शेर आता है वहां पे, तो जब वो देखता है तो भेड़ बकरी सब डर करके भागना शुरू हो जाती है। दोस्तों वहां से जब भागती हैं तो वो जो शेर था वो भी भागना शुरू हो जाता। तो वो कहता अरे भाई, उसने देखा और उसने सोचा कि अरे ये तो शेर है, मन में सोच लिया उसने ये तो शेर क्यों भाग गया। लेकिन वो सोचता है कि मैं कल इससे जरूर पूछूंगा कि आखिर ये डर के क्यों भागा। तो दोस्तों वो कल शेर इंतजार में रहा, जब बकरी वाला दोबारा से बकरी चराने के लिए सैफट गया वहां पे, तो वो वहां पे मौजूद हुआ। फिर उन्होंने जब बकरी पर हमला करा, हमला करने की कोशिश की उसे पकड़ने की, जब वो शेर के पास में आया उसने उसे पकड़ लिया और सारी बकरी भाग गई। तो उसने कहा अरे भाई तू शेर है, तू डर के क्यों भाग रहा है। अरे बोले भाई मुझे माफ कर, मैं शेर नहीं हूँ, मैं तो ये हूँ जो ये भाग रही है, तू समझता है मैं शेर हूँ। अरे बोले भाई तू शेर है, तू बकरी नहीं है। तो जब उसे वह तालाब के किनारे ले गया और तालाब के किनारे उसने कहा देख अपनी परछाई को, तो उसने देखा अपनी परछाई को, अरे हाँ तू और मैं तो यार बिल्कुल सेम, अरे हाँ भाई मैं तुझसे कह रहा हूँ तू और मैं भाई भाई हैं, हम खुदा के शेर हैं, वी आर द लायन ऑफ गॉड, वी आर द लायन ऑफ गॉड, हम खुदा के शेर हैं, हम कोई बकरी नहीं है। जब उसने देखा तो कहता कि तू दहाड़ सकता। तो अब उसने प्रयास कराया, उसने कहा बोल, तो कह मैं अबे बोल, तो कह मैं अरे तू बोल सकता है वरना मैं तुझे खा जाऊंगा, नहीं बोलेगा तो। तो उसने कहा जब उसने उसके इंजेक्शन लगाया, बॉडी वेट के इंजेक्शन लगाया कि तू कर सकता है, वास्तव में वो कर सकता था। तो जब मोटिवेट करा तो एक बार उसने दहाड़ मारी, जब उसने दहाड़ मारी शेर की, उसने कहा तू शेर है, तू बकरी नहीं है, तू शेर है, तू शिकार कर सकता है, तू बकरियों की तरह नहीं रह सकता। तो दोस्तों आप भी शेर हो, आप तो वो शेर हो, आप बब्बर शेर हो, क्योंकि शेर को आपने अपनी उंगली पर नचा रखा है। एक जब रिंग मास्टर एक घेरे में उतरता है तो उसकी आंखों में वो तेज होता है, उसकी तेज की आंखों को देख करके शेर डर जाता है। दोस्तों वो शेर उससे डर जाता है, उसके सारे पर नाचना शुरू करता है। आप में भी वो अटूट साहस, अटूट शक्तियां हैं जिन्हें आपको केवल पहचानने की जरूरत है। एक बार यदि आपने वो अपनी शक्तियों को पहचान लिया, आपको आगे बढ़ने से, जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों एक बार, अभी न्यूयॉर्क का किस्सा है कि एक व्यक्ति को 35 वर्ष की अवस्था में ये आभास हुआ कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो वो मिल्टन नाम के न्यूयॉर्क शहर में रहते हैं, जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने विधि का जब अध्ययन किया तो दोस्तों वे बहुत बड़े पद पर न्यायविद बन गए, बहुत बड़े न्यायविद के पद पर चले गए 35 साल की उम्र के बाद में। दोस्तों तो क्या नहीं हो सकता, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड माय डियर फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज पॉसिबल, इट इज इजी 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 एंड यू कैन गेट सक्सेस इन योर लाइफ। दोस्तों आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हो, जो चाहते हो वो हो सकता है। कि खुद ही को कर बुलंद इतना हर तदबीर से पहले, कि खुद खुदा बंदे से पूछे, कि खुद खुदा बंदे से पूछे कि आखिर तेरी रजा क्या है, आखिर तेरी रजा क्या है। कि शाखा से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम,
आंधियों से कह दो कि अपनी औकात में रहें।